बस करो ना, बहुत रो लिया। क्या हुआ, सिगोर कह रही हो? देखो, गौरव और पापा की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, वो परेशान है, लड़की वाले हैं ना। मुझे पापा और गौरव भैया के बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जो हमसे प्यार करते हैं, अपना समझते हैं, वही लोग तो हम पे गुस्सा करते हैं। इतनी समझदार हो तो फिर रो क्यों रही हो? बस ये सोचकर बुरा लग रहा है कि अगर रवीना के हाथों से कुछ गलत हो जाता तो। पापा बिल्कुल सही कह रहे थे, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरी एक गलती की वजह से और मैं आपको कैसे फेस करती? क्या होता अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचते तो वो दोनों शादी कर लेते। लेकिन हाँ, तुम पे फिर भी भरोसा करता हूं। अब जहां रहा सवाल फेस करने का, तो उसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब हम चाहें या ना चाहें, पर जिंदगी भर के लिए एक दूसरे को इस कमरे में फेस तो करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम्स तो होंगी, मगर क्या करें, झेलना तो पड़ेगा। अब देखो ना, इस कमरे में कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं मिलती। क्या मतलब? मैं तो हर चीज सही जगह पर रखती हूँ ताकि आपको आसानी से मिल सके। यही तो प्रॉब्लम है, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग सही जगह है वो मेरे लिए नहीं है, और जो मेरे लिए सही जगह वो तुम्हारे लिए नहीं है। पर हर एक चीज की एक जगह होती है, एक सही जगह। ऐसी बिखरी हुई चीजें किसको अच्छी लगती है? अरे किसको अच्छी नहीं लगती, मेरे को तो ठीक लगती है। सब चीज आसानी से मिल जाती है। क्या आसानी से मिल जाती है? शूज शूज रैक पर नहीं, यहाँ बेड के नीचे। कपड़े जहाँ पे पहने वहाँ पे उतारती, और फाइल फाइल अलमारी में नहीं, यहाँ पे बेड पे। और आपका गीला टॉवल तो मैं, ये मेरा कमरा है, मैं जो चीज चाहूँ जहाँ रखना चाहूँ रखूंगा। सॉरी, हमारा कमरा है, ये हर चीज तुम्हारे अकॉर्डिंग होगी। अब तुमने टेक ओवर कर लिया ना, तो फाइल्स अलमारी में जाएंगी, कपड़े हैंगर में जाएंगे, और जूते शू रैक में। ये शादी भी ना इतना एडजस्ट करना पड़ता है? एडजस्ट बस आपको ही नहीं, मुझे भी करना पड़ता है। मुझे भी वो केएल सेगल के गाने सुनना पसंद नहीं, लेकिन सुनती हूँ ना रोज। मुझे पता था तुम एक ना एक दिन ये जरूर बोलोगी, और बोल दिया ना आज। इसे इतने बुरे लगते हैं क्या? सच कहूं पहले इतने पसंद नहीं थे, पर अब रोज रोज सुन के अच्छे लगने लगे। मैं जरा पापा और गौरव को देख के आता हूँ, तुम अपना काम करो। मुझे पता है कि मैं एक स्वार्थी बाप की तरह से सोच रहा हूँ, लेकिन बेटा रवीना और इस परिवार की इज्जत को बचाने के लिए हमको एक करना ही पड़ेगा। देख बेटा, कुछ भी करके तुझे ये बात सीमा से छिपा के रखनी होगी। देख गौरव, मुझे सीमा पर पूरा भरोसा है, वो इस घर की बहू है, वो इस घर को अपने मायके से ज्यादा समझती है। लेकिन बेटा वो विक्रम की बहन भी है, और सुधांशु जी उनका स्वभाव तो तू जानता है ना, अगर कहीं सच में उन्होंने शादी से मना कर दिया तो हमें किसी भी तरह से सीमा और सुधांशु जी से बात छिपा के रखनी होगी। इसी में रवीना और हमारे परिवार की भलाई है। ठीक है पापा, जैसे आप बोलो।
सीमा भाभी का फोन है। बेटा उठा 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 उठा। कहीं उसे ऐसा ना लगे आपको टेंशन है, खुद आ जाएगी। और सुन, कुछ बताना नहीं उसको, प्लीज। उठा। हाँ भाभी। हेलो सिद्धि। सिद्धि हम लोग बस यहाँ से निकलने वाले हैं, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। अच्छा तुम लोग सब लोग तैयार हुए कि नहीं हुए? हाँ भाभी तैयारियां चल रही है। और मेरी भाभी वो तैयार हुई, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है भाभी। सिर्फ अच्छी लग रही है? भाभी मेरा मतलब है कि बहुत सुंदर लग रही है। उसे तो आज सबसे ज्यादा खूबसूरत लगना है, उसकी शादी जो है। और मैं तो इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि बारात में नाचूं या बारातियों का स्वागत करूं। क्या हो गया? वहां पे इतनी शांति क्यों है? पीछे कोई आवाज ही नहीं आ रही। नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। ओ अब समझी, सब मुझे मिस कर रहे होंगे। मैं रहती हूँ तो बहुत चहल पहल रहती है। अच्छा सुन, जरा मेरी मेरे होने वाली भाभी से बात तो करवा। भाभी वो रवीना चेंज कर रही है, मैं आपसे बाद में बात कराती हूँ। चल कोई बात नहीं। और सुन, उसे कह दे जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करे, और अगर मेरे भाई को ज्यादा वेट कराया ना तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? चल बाय, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग बस पहुंचते हैं। बाय बाय भाभी। अच्छा ऐसा करो, अब तुम दोनों भी जल्दी से तैयार हो जाओ। बेटा ये भी रवीना के सूटकेस में जाएगा, अंदर रख दो, देर हो रही है, जल्दी करो। रवीना तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? शिल्पा इसके बाल बनाओ और फिर जल्दी आओ। जी आंटी। रवीना, रवीना ये कपड़े ले लो। रवीना जल्दी तैयार हो जाओ, पापा वेट कर रहे। रवीना पापा वेट कर रहे। सिद्धि, मैं तुझसे एक बात कहूं यार, मुझे रवीना को देखकर बहुत बुरा लग रहा है। आज उसकी शादी है और वो कितनी उदास है यार। कुणाल जीजू रवीना के साथ बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं। ऐसे जबरदस्ती उसकी शादी करना उसके खुशी के खिलाफ, ये तो सही नहीं है ना सिद्धि। देख ऐसे तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। तू गलत समझ रही है शिल्पा, कुणाल जो रवीना के साथ कर रहे वो तुझे दिखाई दे रहा, उनकी सख्ती तुझे नजर आ रही, लेकिन उनके मन में जो रवीना के लिए दर्द है वो नहीं दिखाई दे रहा। देख कुणाल जो कुछ कर रहे वो सही कर रहे। अगर वो रवीना की शादी किसी ऐसे इंसान से कर रहे होते जिसे शादी के बाद रवीना अपनी पूरी जिंदगी आंसुओं के साथ बिताती, या वो इंसान रवीना को कभी खुश नहीं रख पाता, तो सबसे पहले शायद मैं उन्हें मना करती। पर विक्रम रवीना को समझता है, उसे बहुत प्यार करता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरे पति है, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुणाल कभी गलत का साथ नहीं देंगे।
वो जो कुछ करेंगे सही करेंगे। हम सब जानते हैं कि विक्रम कैसा लड़का है और रोहित कैसा लड़का। विक्रम रवीना को बहुत खुश रखेगा। शिल्पा, रोहित बस रवीना के भोलेपन का फायदा उठाना चाहता है और कुणाल कभी अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं अभी आती हूँ। रवीना की जिंदगी तो सवर जाएगी, लेकिन विक्रम का क्या? जो मैं उसके साथ कर रहा हूं क्या वो ठीक है? मतलब उसको तो कुछ भी नहीं मालूम। आप ऐसा क्यों सोच रहे? आप कुछ गलत नहीं कर रहे। हम सब जानते हैं कि विक्रम रवीना से कितना प्यार करता है। उसके लिए रवीना का बीता हुआ कल कोई मायने नहीं रखेगा। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि ये रिश्ता गलत तरीके से जुड़ा, लेकिन ये रिश्ता तो सही है। इस रिश्ते के साथ साथ जुड़ने वाले लोग भी सही है। जो रिश्ता इंसान जोड़ता है वो गलत हो सकता है, लेकिन जो रिश्ता किस्मत और हालात बनाते वो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे रिश्ते दूसरे रिश्तों के मुकाबले ज्यादा मजबूत होते हैं। ऐसे रिश्ते जिंदगी के कठिन से कठिन रास्तों पे चलकर भी मजबूत और पक्के होते हैं। मेरा मतलब है विक्रम और रवीना का रिश्ता। अब टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विक्रम रवीना से बहुत प्यार करता है, वो उसे बहुत खुश रखेगा। सिद्धि जीजू, अंकल बुला रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है, आ जाइए। ये क्या पहना रही है यार? अरे देख ना कितना अच्छा लग रहा है। अरे मेरे ड्रेस से बिल्कुल नहीं मैच कर रहा। चलिए पहनते हैं, ये देख कितना अच्छा लग रहा है। रवीना, सुना है तेरा दूल्हा बड़ा हैंडसम है रवीना? अरे हैंडसम क्यों नहीं लगेगा। रवीना, सुना बारात आ गई? चलो चलो बारात देखने चलते हैं। चलो बारात देखने। पूजा की थाली भी तैयार करनी है। Oh,
तू उस कुणाल चोपड़ा की बहन से शादी करेगा, उसे भगा के ले जाएगा। तुझे दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली, सिर्फ वही 2% की लड़की मिली थी, वो भी मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बहन। आज पहली बार मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाके उस कुणाल चोपड़ा को थैंक्स कहूं, जिसकी वजह से तू उस रवीना से शादी नहीं कर पाया। वरना बेटा तूने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी उस लड़की को इस घर की बहू बनाने की। उस लड़की का बड़ा भाई मेरा दुश्मन बना हुआ है, उसकी भाभी मेरी एम्प्लॉय बनी हुई है, और हमारे साहबजादे उस लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहते। अरे पूरा खानदान मेरे सर पर तांडव करता, अब भूत बन के क्या खड़ा है? शादी के मंत्र पढ़ू तभी मुंह से कुछ निकलेगा? कभी कभी तो शक होता है कि तू मेरा बेटा है भी कि नहीं। अगर वाकई तू मेरा बेटा होता ना, तो उस लड़की को कहीं बाहर ले जाता और उसके साथ ऐसा कुछ करता कि वो जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, उसके पूरे परिवार की नाक कट जाती। नाक इनको तो शौक है सेहरा बांधने का, हर वक्त दूल्हा बनने के लिए तैयार रहता है। पहले वो लड़की निशा और अब ये रवीना। बहुत ही घटिया चॉइस है तेरे। दर्द हो रहा है? कुणाल चोपड़ा की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? अरे लानत है तुझ पर जो तू उस कुणाल से पिटकर आ गया। पहले वो कुणाल चोपड़ा अपनी बातों से मेरे गाल पे थप्पड़ मारता था और आज उसने तेरे पर हाथ उठा दिया। दिल तो करता कि तेरा गला दबा। जाओ जाके कुछ दवाई वगैरह लगाओ। कुणाल चोपड़ा, तूने मेरे बेटे पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तूने मेरे बेटे से अपनी बहन का बदला दिया है ना, अब देख मैं अपने बेटे का बदला तुझसे कैसे देता हूं। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा।